Senior Congress leader Ghulam Nabi Azad, who is on a six-day visit to the state, claimed that the people in the state were disappointed and the only few hundred peoples belonging to the ruling were happy after the abrogation of the Article 370. This is my sixth day in the Jammu and Kashmir. People of the Kashmir valleys are well, as well as of the Jammus, disappointed. Besides of the 200 peoples of the ruling party, nobody is happy. Small businessmen, including the shopkeepers and the transporters, everyone is disappointed, Azad told to the reporters. को छोड़कर कोई खुश नहीं है. छोटा बिजनेसमैन जो तबका है, जिसका कारोबार सारा निर्भर कश्मीर पर है, चाहे वो छोटा दुकानदार हो, मध्यम दर्जे का दुकानदार हो, किराने वाले दुकानदार हो, या ट्रांसपोर्ट और गाड़ी वाला हो, बस वाला हो, वो इतना निराश है कि कई लोगों ने कहा कि हम खुदकुशी करने तो हमारा हाल हो गया. कितनी निराशा और आतंक इतना है. एडमिनिस्ट्रेशन का इतना आतंक मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखा. डेमोक्रेसी नाम की स्टेट में कोई चीज नहीं है. जब कानून बदला, उसके साथ साथ ही लोकतंत्र भी यहां खत्म हो गया. बात करने से आदमी डरता, वो देखता है कहीं कैमरा फिक्स नहीं है, कोई मेरी मुखबरी तो नहीं कर रहा. तो जम्मू कश्मीर में कानून बदलने के साथ यहां की आवाज भी सप्रेस हो गई है.